Mysterious Book of Prophecies. आज आसमान कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी तो दोपहर ही हुई है और इतना अंधेरा छा गया। काश बारिश ना हो। ये क्या, बाहर जा रहे हो? हाँ, वो मुझे कुछ काम है। अरे, मुझे जल्दी निकलना होगा। बाद में मिलते हैं। बाय नोबिता। वेट करवाने के लिए सॉरी। मैं तुम्हारा फेवरेट कैट फूड लाया हूँ आज। तो ये बात है, वो टामा के साथ घूमने गया है। आज आसमान कितना अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये किसकी बुक है? शायद ये डोरेमोन की है। पता नहीं इसमें क्या है। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। ये तो डायरी है। कार्ड में लिखा है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हर पेज पे अजीब सी चीजें लिखी हुई हैं। काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी। इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। हाँ, ये इस किताब का आखिरी पेज है जिस पर लिखा हुआ है। बाकी सब खाली है। सुनियो। शायद इस बुक में वो वर्ड्स लिखे हैं जो लोग सोते हुए बोलते हैं। नहीं जियान, मुझे तो लगता है कि ये सीक्रेट सिंबल वाली बुक है। नहीं, डोरेमोन ऐसी कोई बुक नहीं रखता। क्यों नोबिता, तुम्हें तो पता ही होगा। हो सकता है सुनियो। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने ये बुक शायद पढ़ी हुई है। और पता है दोस्तों, मैंने उस किताब में बहुत सारे डरावने किस्सों के बारे में पढ़ा था। लेकिन वो कहानी क्या थी? और सच बताऊं तो मुझे उस कहानी के बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सुनियो हमें यहाँ इस तरह से क्यों डरा रहा है नोबिता? जब डोरेमोन आएगा तो मैं उसी से पूछ लूंगा। मैं घर आ गया। हाँ, आपने लाइट क्यों नहीं जलाई मॉम? कितना अंधेरा है, मैं पेपर भी ठीक से नहीं पढ़ पा रही। हाँ, कितनी अजीब बात है, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं, मैं क्या करूं? इस बुक में लिखा है काले आसमान से औरत गुस्सा होगी। नोबिता। नोबिता, वो कहानी मुझे याद आ गई। कौन सी कहानी? क्या तुम्हें पता है नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ? क्या कहा, नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ? वो क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता, उस बुक में नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, जिन्हें उन्होंने 400 साल पहले लिखा था। भविष्यवाणियों वाली बुक? हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में लिखा था जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जब तक तुम उनको हिस्ट्री के साथ कंपेयर ना करो, उन्होंने सारी वॉर्स एंड डिजास्टर के बारे में पहले ही लिख दिया था। हाँ? बड़े बड़े अर्थक्वेक, ज्वालामुखी के विस्फोट, वर्ल्ड वॉर्स। और पता है नोबिता, इन सब के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 20th सेंचुरी के एंड तक सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या कहा तुमने, दुनिया खत्म हो जाएगी? ऐसा थोड़ी हो जाएगा सुनियो, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बेकार में डरा रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नोबिता, तुम इस बुक का कोई भी पेज खोलो और उसे पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा। पेज 39, गोरिल्ला चिड़िया छीने का एक फॉक्स से, ये क्या लिखा है? ये देखो, ये न्यूज क्लिप मेरे डैड ने अपने पास रखी थी।
साल शुरू होने के 39 डेज बाद ये देखो 8 फेब को एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था। कहाँ गया ये री? हाईजैकर की शक्ल तो बिल्कुल गोरिल्ले जैसी थी, पायलट की बिल्कुल फॉक्स जैसी। और तुम्हें पता है नोबिता, यहाँ एरोप्लेन को मैकेनिकल बर्ड कहा गया है। हाँ नोबिता, अगर ये लोग हमारे सामने आ गए तो? हाँ। नोबिता चलो कुछ और देखें। 12 मार्च को देर रात को एक बस ड्राइवर चलती हुई बस में सो गया और वो बस अचानक लेक में गिर गई। नोबिता जरा पेज नंबर 71 देखना, उस पर क्या लिखा है। हाँ सुनियो, मैं पेज 71 ढूंढता हूँ। उसने दरवाजा खोला चुपचाप, वो अंदर चली गई। ये क्या है? देखा, ये भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सच हैं। तुमने ठीक कहा, तो फिर वो आज की भविष्यवाणी पेज 90 पर होगी। काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुखी दुख। काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुखी दुख। काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुख। सुनो नोबिता, कहीं गोले का मतलब दुनिया तो नहीं है? हाँ शायद, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है नोबिता। दुनिया खत्म होने वाली है, कोई भी नहीं बचेगा। और इसलिए सुनियो, ये बुक पेज 90 के बाद खाली है। चलो चलकर डोरेमोन को बोलते हैं, ताकि हम टाइम मशीन को यूज कर लें। डोरेमोन कहाँ है? अरे नहीं सुनियो, डोरेमोन तो किसी से मिलने के लिए गया हुआ है, अब क्या होगा? नोबिता ये बात हमें सारे फ्रेंड्स को बतानी होगी। सही कहा, जल्दी करो। मैं जियान के पास जा रहा हूँ। तुमने क्या कहा, दुनिया खत्म होने वाली है? ये बिल्कुल सच है शिजुका, उसमें एक बस एक्सीडेंट के बारे में भी लिखा था, और यहाँ भी वैसा ही है। क्या एक हाईजैकिंग? हाँ, और उसकी भविष्यवाणियाँ भी बिल्कुल सच थी, और इसलिए हमें। लेकिन सुनियो, क्या ये दुनिया ज्यादा ही जल्दी खत्म नहीं हो रही? क्या तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें क्या मेरी बात पर यकीन नहीं है? ये बात सच है। नहीं नहीं कुछ नहीं। अब तुम ज्यादा ना बोलो और चुपचाप तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? मेरा मतलब जियान, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो और हमारे साथ चलो, समझ गए ना? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बिल्कुल बुद्धू रहोगे जियान, हम डोरेमोन के साथ उसकी टाइम मशीन में कहीं सेफ जगह जा रहे हैं। ओह समझ गया। तुम तैयार हो जाओ और मैं जाकर दूसरे दोस्तों को बताता हूँ। ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। मॉम, एक बुरी खबर है। भविष्यवाणियाँ? नोबिता शायद तुम ये जानते नहीं हो, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम ही बताओ आज इतना अंधेरा क्यों है? ओह ये तो येलो सैंड डस्ट की वजह से है। क्या येलो सैंड डस्ट? हाँ, ये वो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं जो चाइना से वेस्टर्न विंड्स की वजह से यहाँ आते हैं। इतना घबराओ मत नोबिता, ये सब होना नेचुरल है। मुझे लगता है तुम भविष्यवाणी का गलत मतलब निकाल रहे हो डेकी सुगी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि ये भविष्यवाणी है। मैंने बहुत सुनी है डेकी सुगी। रुको नोबिता। कोई बात नहीं, गुड बाय डेकी सुगी। डोरेमोन जल्दी करो और घर वापस आओ प्लीज। हाँ बाय बाय, फिर मिलेंगे। तुम इतनी देर से कहाँ चले गए थे डोरेमोन? तुम जानते भी हो दुनिया खत्म होने वाली है, हमें जल्दी यहाँ से तुम्हारी टाइम मशीन की मदद से निकलना होगा। अरे आखिर तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता? हाँ? अरे ये क्या, ये तो मेरी डायरी है। हाँ? तुम्हें दूसरों की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, समझे? क्या कहा, डायरी? क्या ये तुम्हारी डायरी है डोरेमोन? तुम्हें पता है ये मेरी लास्ट ईयर की सीक्रेट डायरी है। एक मिनट रुको। देखो ये क्या है, कार्ड में लिखा है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे, बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाएगी। ये कैसी डायरी है डोरेमोन? कार्ड से मेरा मतलब न्यू ईयर कार्ड से है। हवा नहीं चलेगी का मतलब है मुझे गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। सबके दुखी होने से मेरा मतलब तुमसे था नोबिता। बूढ़ी औरत का गायब होना एक कार्टून सीरीज है, क्या अब तुम समझ गए? हाँ? मुझे बहुत कम न्यू ईयर गिफ्ट्स और कार्ड्स मिले थे, हम दोनों बहुत दुखी थे, तुमने और मैंने बूढ़ी औरत की कार्टून सीरीज देखी थी। तो इसका मतलब समझाओ, गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से। अरे हाँ,
याद आया, इसका मतलब है जियान ने सुनियो का मॉडल एरोप्लेन छीन लिया। गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से। और इसका मतलब क्या है? उसने दरवाजा खोला और चुपचाप वो अंदर चली गई। यहाँ मैं शिजुका की बात कर रहा हूँ। तुमने एनीवेयर डोर से शिजुका को देखने की कोशिश की थी? ऐसा नहीं हो सकता जियान, ये जो तुम कह रहे हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये सच नहीं है, समझे? प्लीज मेरा यकीन कीजिए मॉम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जय को घबराने की जरूरत नहीं है, डोरेमोन हमें बचा लेगा। अरे जियान जरा जल्दी चलो। ठीक है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? तुम फिक्र मत करो, वो लोग पीछे आ रहे हैं। सुनियो जियान, लो देखो वो आ गए। शिजुका, तो आखिरी पेज के बारे में बताओ। काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला खत्म हो जाएगा। दुखी दुख। और इसका क्या मतलब हुआ डोरेमोन? प्लीज डोरेमोन जल्दी से बताओ। काले आसमान से मेरा मतलब है। क्या मतलब है? अरे हाँ नोबिता, तुम्हारे कम नंबर्स, और वो औरत है मॉम, और वो तुम्हारे कम नंबर्स की वजह से गुस्सा है। गोले से मेरा मतलब डोरा केक से है। जब वो नहीं होते तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना नोबिता, डोरा केक्स मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता। और तुमने पेज 90 के बाद कुछ लिखा क्यों नहीं है डोरेमोन? जल्दी बताओ। हाँ, वो मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह लिखना बंद नहीं किया। लेकिन आखिर बात क्या है नोबिता, मुझे बताओ तो सही। अरे ये क्या हो रहा है, हमारे फ्रंट डोर पर इतने सारे लोग क्यों जमा हो गए हैं? बाहर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं बेटा? अरे नोबिता रुको, ये हो क्या रहा है? प्लीज उन्हें जाकर समझाओ ताकि वो वापस जा सके। प्लीज जल्दी जाओ। लेकिन मैं उन्हें बोलूँगा क्या नोबिता? अब एक ही तरीका है, तुम अपने किसी गैजेट से इस दुनिया को खत्म कर दो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो? जल्दी भागो। मैं घर आ गया। क्या तुम अपने टीचर की घर शिफ्ट करने में मदद करने जा रहे हो? हाँ, हम सब उनकी हेल्प करने जा रहे हैं मॉम। ठीक है, वहाँ अच्छे से काम करना। ओके बेटा। लेकिन अभी मुझे तेज भूख लगी है मॉम। अच्छा, मैंने किचन में कुछ ब्रेड रखी है, तुम वहाँ जाकर टोस्ट बनाकर खा लो। तुम ये काम कर लोगे ना बेटा? हाँ। मैं ब्रेड खाऊंगा खूब सारे जैम के साथ। अरे ये क्या हुआ? ये नहीं खुल रहा। डोरेमोन, क्या तुम यहाँ आओगे प्लीज? क्या हुआ नोबिता? मुझसे जार नहीं खुल रहा, क्या तुम्हारे पास मेरी मदद के लिए कोई गैजेट है? क्या कहा, जार नहीं खुल रहा? ओह, तुम तो कुछ भी खुद नहीं कर सकते। क्या तुम एक जार भी अपने आप नहीं खोल सकते? बताओ डोरेमोन, ये सच में बहुत टाइट है। लाओ मुझे दो, मैं खोलता हूँ। ये लो। तुमने देखा, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा गैजेट मांगा था। हाँ? मेरा टोस्ट तैयार है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा टाइट है, अब एक ही रास्ता बाकी है, सुपर ग्लव्स। अगर नोबिता ने इन्हें देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे इसे जल्दी करना होगा। अरे वाह, ये तो खुल गया, सुपर ग्लव्स काम आ गए। क्या तुमने उसे खोल दिया? हाँ हाँ, मैंने खोल दिया है। क्या सच में? मुझे भी दिखाओ। नहीं, तुम जाकर जरा वेट करो, मैं अभी ले आता हूँ, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। इतना टाइम क्यों लगा रही हो, जल्दी लेकर आओ ना। अरे ये क्या है? ये ग्लव्स मैंने कब गिरा दिए, मुझे तो पता भी नहीं चला। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो डोरेमोन। क्या हुआ?
आज हम सब टीचर की हेल्प करने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन, जिससे मैं हैवी चीजें उठा सकूं। क्या तुम फिर से गैजेट चाहते हो नोबिता? ये मैं खुद के लिए नहीं, अपने टीचर की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए मांग रहा हूँ डोरेमोन, तुम समझ गए ना? अच्छा ऐसी बात है, पर मैंने तो शिजुका का नाम भी नहीं लिया। लेकिन हाँ, तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है। क्या तुम मुझे कोई गैजेट दोगे? मेरे पास एक चीज है, तुम जरा यहीं रुकना ठीक है? अरे नहीं, मेरे सुपर ग्लव्स कहाँ गए? अजीब बात है। क्या हुआ डोरेमोन? अरे मॉम, मेरे ग्लव्स यहाँ पड़े हुए थे, आपने देखे है क्या? अच्छा तो वो तुम्हारे ग्लव्स थे, मैंने उन्हें अपने ग्लव्स के साथ बाहर टांग दिया है, ठीक किया ना? थैंक यू मॉम। ये लो सुपर ग्लव्स। क्या कहा, सुपर ग्लव्स? हाँ, इनसे तुम कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। और पता है नोबिता, तुम इनसे कोई भी भारी सामान आसानी से उठा सकते हो, बस अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना। हो सकता है तुम्हें ज्यादा ताकत मिल जाए, इस मामले में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, समझ गए डोरेमोन, बाय बाय। खूब मेहनत करना, बाय। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो बताइए कि आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं सर? वहाँ देखो, वहाँ पर उस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर। अरे ये तो पास में ही है। ठीक है टीचर, आप बताइए हम क्या करें। आप चाहे तो मैं कुछ भारी सामान भी उठा सकता हूँ। शिजुको और मैं हल्का सामान उठाएंगे, ठीक है ना? बुद्धू, तुम मेरे साथ काम करोगे? अब बस भी करो ना। सर, जो चीजें जियानो सुनियो नहीं उठा पाएंगी, उन्हें मैं उठाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो, जो मैं नहीं उठा सकता वो तुम कैसे उठाओगे नोबिता? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं आप सबको बता दूं कि भारी सामान वहाँ पर ट्रक से जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उन भारी सामान को उठा लूंगा। नोबिता तुमने जरूर डोरेमोन से कोई गैजेट लिया होगा। मैंने ये सुपर ग्लव्स लिए हैं, इनसे मैं भारी से भारी सामान भी उठा सकता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है नोबिता, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब ये हुआ कि सारा भारी सामान तुम ही उठाओगे नोबिता। तुम बिल्कुल मत चिंता करो शिजुका। तुम्हें पता है नोबिता, बिना डोरेमोन की मदद के तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ओके नोबिता, तुम इतना बोल रहे हो तो चलो इस कबर्ड को उठाकर दिखाओ। इसे उठाऊं? हाँ क्यों नहीं, आराम से, ताकि ये टूट ना जाए। तुम सब देखना, ये लो। क्या हुआ नोबिता, उठ नहीं रहा क्या? डोरेमोन ने कहा था कि इसमें बहुत पावर है, इसलिए इसे मुझे आराम से यूज करना होगा। लगता है तुम इसका यूज कर ही नहीं रहे हो, थोड़ी और ताकत की जरूरत है नोबिता। ठीक है। कोई फायदा नहीं, ये तो हिल भी नहीं रहा। क्या हुआ नोबिता? पता नहीं, शायद ये ग्लव्स काम नहीं कर रहे नोबिता। समझ नहीं आ रहा। शुरू करती हूँ। अरे ये कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे बन गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या था? डोरेमोन! अरे मॉम, मेरी मदद करो। क्या हुआ मॉम? मेरी मदद करो, कुछ करो डोरेमोन। देखो मॉम, अभी तो पानी रुक गया है, लेकिन हुआ क्या था? थैंक यू सो मच। आखिर बताइए तो सही, हुआ क्या था मॉम? मुझे पता नहीं, अचानक से मेरे अंदर इतनी सारी ताकत आ गई, जैसे मैं सुपरमैन बन गई हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुपरमैन? हाँ, अरे कहीं ये सुपर ग्लव्स तो नहीं? हाँ, इसका मतलब ये सब कुछ इन ग्लव्स की वजह से हुआ। सही कहा, आई एम सॉरी मॉम, माफ कर दीजिए, असल में ये ग्लव्स मुझे नोबिता को देने थे। पता नहीं वहाँ नोबिता सारा काम कैसे कर रहा होगा। हाँ पता नहीं, पर जरा इसकी हालत तो देखो, अब ये सब कैसे ठीक होगा। ओ, आप इसकी चिंता मत कीजिए, देखिए मेरे पास ये रिस्टोर रे गन है,
क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा? हाँ। अरे वाह, तुम्हारे पास तो हर चीज का सलूशन होता है। आप प्लीज ये ग्लव्स उतार दीजिए मॉम, प्लीज। ये फंस गए हैं और अब ये निकल नहीं रहे हैं बेटा। हाँ, थोड़ा रोल करने पर शायद ये निकल जाएंगे। दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना डोरेमोन बेटा? मैं घर आ गया। हाँ, तुम्हारे डैड। क्या कोई है यहाँ पर जो दरवाजा खोले मेरे लिए? आती हूँ। नहीं रुक जाइए, मैं खोलता हूँ। मैं बस अभी खोल रही हूँ। सुनो नोबिता, तुम्हारे सुपर ग्लव्स किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक कहा नोबिता, अब जाओ और बाकी का बचा सारा का सारा भारी सामान उठाओ। हाँ। क्योंकि तुमने पहले कहा था तुम ही उठाओगे। लेकिन डोरेमोन मुझे ऐसा गैजेट कैसे दे सकता है जो चलता नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नोबिता, बाकी का सामान कल शिफ्ट हो जाएगा। अब छोड़ो भी नोबिता, चलो चले। नोबिता। अरे डोरेमोन तुम? हाँ, वो असल में इनके हाथ से ग्लव्स निकल नहीं रहे थे तो मैंने साथ ही ले आया। हाय।